सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हमें ऐसी बहुत सी क्वेरीज देखने को मिली हैं जिसमें आप सभी ने पूछा है कि इंडियन आर्मी के FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और FICV यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम, इन दोनों में क्या फर्क है। और इन क्वेरीज को देखकर लगता है कि आपको अभी भी FRCV और FICV प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज के इस वीडियो को बना रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। So without wasting any time, let's begin. जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये दोनों ही इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम हैं। तो जो FICV प्रोग्राम है यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इस प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी को ऐसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की जरूरत है जिनकी मदद से इंडियन आर्मी वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन ओरिजिन के सरत नाम के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रिप्लेस कर सके। और वहीं जो दूसरा FRCV प्रोग्राम है यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, इसके तहत इंडियन आर्मी मुख्य रूप से ऐसे फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स को खरीदेगी जिनकी मदद से आर्मी अपने T-72 टैंक्स को रिप्लेस कर सके। और अगर आपको FICV और FRCV प्रोग्राम में वास्तविक फर्क जानना है तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और एक मेन बैटल टैंक, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, इन्हें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल IFV या फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि MICV भी कहा जाता है। और ये एक ऐसे आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध भूमि में डायरेक्ट फायर सपोर्ट देने के साथ साथ इन्फेंट्री ट्रूप्स को कैरी करने के लिए भी किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेन बैटल टैंक्स होते हैं उनमें इन्फेंट्री ट्रूप्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से युद्ध भूमि में एक बड़े टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दुश्मन के मेन बैटल टैंक को। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स 20 से 30 टन तक के होते हैं और जो मेन बैटल टैंक होता है उसका वजन 45 टन से ज्यादा होता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के प्रमुख हथियार में 20 से 40 mm की मेन गन लगी होती है। बाकी इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी भी होती है और सेकेंडरी वेपन के तौर पर इसमें छोटी मशीन गन्स लगाई गई होती हैं। और वहीं जो मेन बैटल टैंक्स होते हैं इनके प्रमुख हथियार में 100 से 125 mm की मेन गन होती है और सेकेंडरी वेपन के तौर पर इनमें भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और मशीन गन्स शामिल होती हैं। लेकिन जो मेन बैटल टैंक होते हैं उनकी फायर पावर एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तुलना में ज्यादा होती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स किसी मेन बैटल टैंक का एक छोटा रूप होता है। पर वजन में हल्का होने के कारण इनकी मोबिलिटी मेन बैटल टैंक की तुलना में ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से युद्ध भूमि में इन्फेंट्री ट्रूप्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। क्योंकि युद्ध के दौरान इन्फेंट्री को कैरी करने के लिए आप किसी नॉर्मल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर इन्हें किसी एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो FICV प्रोग्राम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा टाटा द्वारा विकसित किया गया एक कैस्ट्रल, जो कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और वहीं FRCV प्रोग्राम में आप रशिया के T-14 अर्माटा टैंक को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक है। और हम टाटा कैस्ट्रल और T-14 अर्माटा, इन दोनों पे ही अलग से स्पेशल वीडियोस बना चुके हैं और आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों वीडियोस का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। और इंडियन आर्मी को अपने FICV प्रोग्राम के तहत ऐसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए जिनका वजन करीब 20 टन तक हो। स्ट्राइक पावर के लिए इनमें रैपिड फायर कैनन, 7.62 mm की मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल्स जैसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। बाकी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में कमांडर, गनर और ड्राइवर के साथ एडिशनल 7 फुली इक्विप्ड इन्फेंट्री मैंस को कैरी करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और साथ ही इन व्हीकल्स में हाई मोबिलिटी के साथ फुली एम्फीबियस और ऑल टेरेन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इन्हें जमीन और पानी जैसे किसी भी इलाके में इस्तेमाल किया जा सके। और इस प्रोग्राम में भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि L&T, महिंद्रा डिफेंस, टाटा पावर SED, रिलायंस डिफेंस और रशिया के जॉइंट वेंचर के साथ ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड शामिल हैं। और टाटा ने तो अपने कैस्ट्रल नाम के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को ऑलरेडी पेश किया है जिसके टेस्टिंग इंडियन आर्मी कर रही है। और इस प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 2600 BMP-2 सरत नाम के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रिप्लेस किया जाएगा। और इसके अलावा FRCV प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी को ऐसे फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स चाहिए जो भविष्य के बैटलफील्ड एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज का सामना कर सकें। और ये सभी टैंक्स मीडियम वेट कैटेगरी वाले होनी चाहिए, यानी कि करीब 45 से 50 टन। और इस प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी अपने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेगी।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।